बहुत से लोग कहते हैं कि दंडवत प्रणाम में दंडे की तरह होना चाहिए, तो दोनों हाथ भी जोड़ लेते हैं और पैर के ऊपर भी पैर चढ़ा लेते हैं। बहुत से लोग दंडवत करते समय दोनों पैर खुले न रख करके पैर के ऊपर पैर चढ़ा लेते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है पैर पर पैर चढ़ाना शास्त्र निषिद्ध है। पैर पर पैर चढ़ा के लेटना, पैर पर पैर चढ़ा कर सोना निषिद्ध है, इसलिए वो दो टांग अलग अलग हो गई तो उसमें कोई दंडवत में फर्क नहीं पड़ता है। दंडवत तो दंडवत के जैसे करना चाहिए, आठ अंगों का स्पर्श पृथ्वी से होना चाहिए, उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। उत्तम पक्ष है कि साष्टांग प्रणाम करते समय ऊपर का वस्त्र खोल देना चाहिए, कटी वस्त्र ही होना चाहिए, तब दंडवत का पूर्ण फल मिलता है। माताओं को साष्टांग प्रणाम इसलिए निषिद्ध है कि माताएं ऊपर का वस्त्र खोलें यह उनकी मर्यादा के विरुद्ध है, वे तो मर्यादित स्वरूप में गृहलक्ष्मी हैं, उनके वक्षस्थल का आवरण भंग नहीं होना चाहिए, इसलिए माताओं को साष्टांग प्रणाम की विधि ना होकर पंचांग प्रणाम की विधि है। पुरुष वर्ग को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, अपना खोल कर कपड़ा प्रणाम करना चाहिए, बहुत से लोग करते भी हैं। लेकिन एक बात हम पूछते हैं, आपसे ही पूछते हैं कि हाँ सूरत में तो हम अपनी संध्योपासन के बाद अपने ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम जो विधि है उससे कर लें, कर यहाँ संभव है, और तौलिया लगाए बैठे हैं, गमछा लगाए कटी वस्त्र तो खाली कर सकते हैं, और वृंदावन में इस समय 5-6 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ दिन में 10 बार आप दंडवत करो कपड़ा खोल खोल के, तो जल्दी गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। भाई किसको ठंड नहीं झिलती है, और वो ठंडे में बार बार फर्श पर और सारे कपड़े खोल के करेगा प्रणाम, तो भाई दूसरे की हम नहीं कहते, हम अपनी कहते हैं। अच्छा चलो, यहाँ तो ऐसी बात है, उत्तर काशी में गंगा जी ने एक स्थान दिया है, कृपा पूर्वक दिया है, माने ऋषिकेश से लेके गंगोत्री तक इतना सुंदर कोई स्थल नहीं है जितना सुंदर स्थल गंगा जी ने कृपा करके हमारे ठाकुर जी को प्रदान किया है। वहां भी जो मूल बद्री नस्ल की गाय है उसके संरक्षण का कार्य आरंभ हो चुका है। उत्तराखंड में जो मूल नस्ल है बद्री नस्ल लुप्त हो रही है, प्रायः संक्रमित हो रही है, उसकी शुद्ध नस्ल इसमें खोजने से भी बड़ी कठिनाई से मिल रही है, पर उस नस्ल के संरक्षण का काम भगवत कृपा से शुरू हो गया है। इसमें 25-30 गाय इस समय वहाँ हैं और सेवा भी हो रही, अतिथि का सत्कार भी हो रहा, और संत भी खूब कृपा करके वहाँ पधार रहे हैं। अभी वहाँ निर्माण नहीं हुआ, लेकिन साधु तो अपने प्रेमी होते हैं, जैसे तैसे में भी गुजारा कर लेते हैं, गाय भी वहाँ है। वहाँ जो सेवा देखते हैं उनसे बात होती है, अभी कुछ दिन पहले बात थी, बोले महाराज जी -7 टेम्परेचर है, कितना यहाँ तो वृंदावन में 5 टेम्परेचर, वहाँ -7। अब वहाँ कहो कि खोल के तो बर्फ पड़ रही है, खोल के दंडवत करो छाती बार बार, तो वहाँ तो और जल्दी गंगा जी की दया से कल्याण हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है बद्रिकाश्रम चले जाओ, गंगोत्री चले जाओ, जहाँ बर्फ है, तो जहाँ इस प्रकार की बाध्यता है वहाँ वस्त्र सहित भी साष्टांग प्रणाम किया जा सकता है, पर जहाँ हम वस्त्र खोल कर प्रणाम कर सकते हैं वहाँ हमें पूर्ण दंडवत का फल प्राप्त करने के लिए ऊपरी वस्त्र हटा कर ही साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। माई मेरे श्याम।